हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है, ये सवाल कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। हमने हमेशा अपने इस कलयुग के दौर में कई बार अच्छे लोगों को हमेशा दर्द ही सहते हुए देखा है, तो हम सोचते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। शायद आपके दिमाग में, दिल में ये सवाल अक्सर आता हो। आप अपने जीवन को देखते हो तब भी आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने किसका क्या बुरा किया। तो इसका जवाब श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिया था। जी हाँ, श्री कृष्ण आप सबके हर एक सवाल का जवाब अर्जुन को महाभारत में दे चुके हैं, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए इस सच का रहस्य। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार में किया है। आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितने कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। ये सब देखकर आपके भी मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज अधिकतर जनमानस इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वो धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से किया है। बता दें, धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्नों का हल विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उनसे बोले कि हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपया कर मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की मुख में ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता वश वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस तरह और किस राह पर चलेगा, वो इंसान के खुद के हित में होता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत ज्यादा महत्वता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वो नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वो मंदिर जाकर वहाँ की हाँ भी चुरा लिया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का
और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंच कर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाले व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और शोर मचाने लगे। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। ये देखकर उस भले व्यक्ति को हैरानी हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वहीं फिर वो व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वो झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो तेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन। वहीं जो व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की ये बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हो उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखकर क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो, जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित होगी। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था जो कि उसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। वहीं श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप इसे अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इस कहानी से ये पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है। जी हाँ, तो ये सच है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, ये जिंदगी की एक नियम बन चुका है, जिंदगी का वो नियम जिसको सबको भुगतना पड़ता है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं और आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपको भगवान से अपनी श्रद्धा को हटा देना चाहिए, आपको नकारात्मक होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है। अगर आप उसमें अच्छाई देखें तो आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने साथ हुए किसी भी बुरे काम में बुराई ही देखेंगे तो आप हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाएंगे। और सबके पापों का फल, कर्मों का फल जब आप मर जाते हैं उसी के बाद होता है, वो यमराज देते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।